नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेके ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोला सेवक और तालमी मरकज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में आपके टोला सेवक और तालमी मरकज से जुड़े कुछ न्यू अपडेट आए थे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, जिसके लिए हमने आपको वीडियो बनाकर आपको सूचित भी किया था। तो वहाँ पर आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि योग्यता क्या है, फॉर्म कहाँ पर मिलेगा और कहाँ पर जमा होगा, और किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट हैं, यानी किस ज़िले में कितना पद खाली है। तो सारी जानकारी आपको देंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और हम आपको बता दें दोस्तों, इसका रियलिटी क्या है, सारी जानकारी ये भी दे देंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टोला सेवक और तालमी मरकज का जब पहली बार ऑफिशियल अपडेट आया था, यानी कि जब विज्ञापन निकाला गया था और पहली बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट आया था, और वहाँ पर एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया था जो कि 20 पेज का वो पीडीएफ था, और उसी पीडीएफ में ये सारी बातें बताई गई हैं। और उसके अलावा दोस्तों, अभी तक ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं आया है, जो भी बातें आपको बताई गई है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको अपडेट दिया गया है। तो चलिए उस ऑफिशियल पीडीएफ पर ले चलते हैं, और वहाँ पर जो भी बातें हैं देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देंगे। टोटल 20 पेज का पीडीएफ है, और ये पीडीएफ आप लोग देख पा रहे हैं, जो आपका विज्ञापन निकाला गया था 23/07/2018, यानी 23 जुलाई को निकाला गया था। अभी भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे बिहार के, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये टोटल 20 पेज का पीडीएफ है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस योजना के तहत ये बहाली यानी विज्ञापन की निकाला गया था। तो महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अंचल यांचल योजना, इसी योजना के तहत आपकी बहाली की गई है। टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवी के चयन एवं सवसर्त के संबंधित मार्गदर्शिका। अब आप नीचे आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे चयन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर इससे पहले दोस्तों, आपके पोस्ट के बारे में जानकारी ले लेंगे। यहाँ पर पोस्ट के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिया गया है कि पूरे राज्य के लिए टोला सेवक 20,000 एवं शिक्षा स्वयंसेवी 10,000 की संख्या निर्धारित है। हालांकि अभी जब आपका न्यूज़पेपर आया था और वहाँ पर न्यू अपडेट निकाला गया था, और बताया गया था कि 2,082 पद आपके खाली पड़े हैं, 2,082 पद पर आपकी बहाली ली जाएगी, बाकी ये टोटल पोस्ट के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, और यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रखंडवार तैयारी की जाएगी, जो आपकी बहाली होगी प्रखंडवार होगी। और यहाँ पर देख पा रहे हैं दिया गया किस टोले में केंद्र खोला जाएगा, इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले के सर्वे के आधार पर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सर्वे होगा डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया जाएगा, उसके बाद आपकी यहाँ पर क्या है कि बहाली की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो चयन प्रक्रिया आप लोग देख पा रहे हैं, चयन हेतु योग्यता, आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था योग्यता से लेकर दोस्तों, कि इसके लिए योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, साफ साफ दिया गया है कि आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी, यानी मैट्रिक या समकक्ष 12th पास ग्रेजुएशन, और उच्चतर योग्यता अधिकारी के को चयन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अधिमानता दे नहीं होगा, यानी आप उच्चतर योग्यता धारी हैं, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर हमने अधिकारी कह दिया था, तो योग्यता धारी हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर देख पा रहे हैं मान्यता नहीं दी जाएगी कि आप उच्चतम योग्यता ली है। बस आप अगर 10th पास हैं और इसके समकक्ष हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर उच्चतम योग्यता भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई भी मान्यता आपको उच्चतम योग्यता की नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो आपका पहला डाउट क्लियर हुआ, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ आपको यहाँ पर बोनस अंक भी दिए जाएंगे, और किस तरह से अंक दिए जाएंगे यहाँ पर दिया गया है, मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक के प्रतिशत, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परसेंटेज, 10th क्लास के जो परसेंटेज होंगे, एवं अनुभव अंक, अनुभव यानी एक्सपीरियंस के भी अंक दिए जाएंगे। अभ्यर्थी का चयन मेघा सूची के आधार पर किया जाएगा, जो आपकी मेघा सूची निकाली जाएगी, प्रतिशत अनुभव अंक को जोड़कर निकाला जाएगा। साक्षरता शिक्षा या सरकार की किसी योजना में कम से कम 6 माह, आप लोग देख पा रहे हैं, साक्षरता शिक्षा या सरकार की किसी योजना में कम से कम 6 माह या उससे अधिक समय तक काम करने वे मानदेय वेतन प्रबोधन राशि प्राप्ति प्रमाण के आधार पर मेघा सूची में अतिरिक्त अंक अनुभव के इस प्रकार दिए जाएंगे। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे, दिया गया 6 माह से 1 वर्ष कार्य करने वाले के लिए 5 अंक, अगर आपने किसी भी विद्यालय में पढ़ाया हुआ है, जो कि यहाँ पर दिया गया है साक्षरता शिक्षा या सरकार की किसी भी योजना में आपने काम किया है, आपने 6 माह तक काम किया, 6 माह का आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको 5 अंक दिए जाएंगे, 6 माह से अधिक एक्सपीरियंस है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, ये आपके बोनस अंक होंगे, और अनुभव के 10 अंक अधिकतम होंगे,
और यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप 6 मंथ से आपका कोई भी आगे का 1 वर्ष से अधिक आपके पास एक्सपीरियंस है, 10 अंक मिलेंगे, 10 ही अंक मिलेंगे, उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 10 ही अंक मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम यहाँ पर 18 वर्ष दिया गया है और अधिकतम 45 वर्ष दी गई है, और 01 यानी 01 अगस्त से, ये 2018 में PDF निकाला गया था उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि 01 अगस्त से आपकी क्या है कि आयु की गणना की जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यू PDF नहीं आया हुआ है, वही पुराने PDF के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं जो वहाँ पर जानकारी दी गई थी। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चयन के बारे में बताया गया है कि टोला सेवक शिक्षा स्वयंवेशी का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत किया जाएगा, समिति बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, वही आप लोगों का क्या है कि फॉर्म जमा करेंगे। यहाँ पर दिया गया समिति गठन हेतु पहल सदस्य सह संयोजक द्वारा किया जाएगा, और यहाँ पर दिया गया है कि अध्यक्ष, आप लोग देख पा रहे हैं इस पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, जब आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे ना तो इसको जरूर पढ़िएगा, यहाँ पर आपके चयन के लिए आवश्यक जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो पद दिए गए हैं अध्यक्ष, संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य और सदस्य सह संयोजक, दूसरे नंबर बताया गया कि संबंधित वार्ड के पोषक विद्यालय या टोला से निकटतम विद्यालय के, जो आपके टोला में जो निकटतम विद्यालय होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे, प्रभारी प्रधानाध्यापक, एक से अधिक विद्यालय होने के स्थिति में वरीय प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, और तीसरे नंबर देख पा रहे हैं जिस टोले में चयन होना है वहाँ के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में, जहाँ पर आपका चयन लिया जाएगा वहाँ पर अध्यक्षता में टोले की आम सभा में संबंधित समुदाय महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के चयनित 4 सदस्य, जिनमें से 2 महिला अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में रहेंगे। और यहाँ पर बताया गया दोस्तों 2 महिला और पुरुष रहेंगे, जो कि आपका 4 स्थानीय सदस्य बनेंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो दिया गया सदस्य संबंधित पंचायत के निर्वाचन अनुसूचित जाति महिला सदस्य एक होंगे। फिर यहाँ पर बताया गया है 5वें पॉइंट पे कि चयनित होने वाले टोले की जीविका दीदी, यानी कि यदि चयन होने वाले वार्ड में जीविका दीदी नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक जीविका द्वारा उसी पंचायत में किसी भी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपके जो टोले में बहाली की जाएगी तो वहाँ पर जो भी आपके विद्यालय हैं, गवर्नमेंट विद्यालय होंगे, वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी और लगभग उसमें 6 सदस्य होंगे, वही लोग आपके फॉर्म जमा करेंगे। यहाँ पर ऐसा बताया गया, आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे, आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कुल संख्या दी गई है, यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, आपका दूसरा जो था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है उसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो चलिए नीचे आते हैं और यहाँ पर ये भी बातें बताई गई है, तो आप इस तरह से नीचे आ जाएंगे और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों किस जिले में कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट निकाली गई यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो जिला का नाम दिया गया है, जैसे पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों टोला सेवक की संख्या दी गई है, उसके बाद तालमी मरकज शिक्षा स्वयं सेवी की संख्या यहाँ पर दी गई है, और कुल यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप लास्ट तक देखेंगे टोटल 2000 टोला सेवक और 10000 शिक्षा स्वयं सेवी, हालांकि अभी 2082 आया था न्यूज़पेपर में, इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये आपका फॉर्म है, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों फॉर्म के लिए आप बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, तो आप लोग फॉर्म देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपका फॉर्म है, आप इस न्यूज़पेपर को डाउनलोड कीजिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा और इसका प्रिंट आप बाहर निकालेंगे तो इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लेंगे। देख पा रहे हैं ये आपका फॉर्म है, दिया गया जन शिक्षा निदेशालय बिहार पटना टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवी नियोजन हेतु आवेदन पत्र, आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिर से बताया गया जन शिक्षा निदेशालय बिहार पटना टोला सेवक या शिक्षा स्वयं सेवी चयन मेघा सूची प्रपत्र, ये जो आपकी मेघा सूची निकाली जाएगी कुछ इस तरह की निकाली जाएगी, यहाँ पर ये दिया गया। उसके बाद यहाँ पर कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता पता प्राप्तांक, ये नियोजन पत्र होगा आपका, जब आपको नियोजित किया जाएगा उसके बाद आपको पत्र दिए जाएंगे, और कुछ यहाँ पर शर्तों के बारे में बताया गया उसके यहाँ पर दिया गया है, और जो आपकी सर्विस होगी 60 वर्ष तक होगी ऐसा यहाँ पर बताया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवी का शपथ पत्र है ये इस तरह से, और यहाँ पर देख पा रहे हैं महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर आंचल योजना, टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंवेशी के चयन से संबंधित मेघा प्रतिवेदन, कुछ इस तरह का दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप सारी जानकारी ले सकते हैं, तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हमने आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया गया है। और लास्ट में फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों कि न्यूज़पेपर में जो डेट निकाली गई थी कि 29 फरवरी तक आपका चयन हो जाएगा, लेकिन अभी आवेदन करने की कोई भी डेट नहीं
निकाली गई है, कंफर्म नहीं की गई है, ये ऑफलाइन आवेदन होगा। आपको करना क्या है कि आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, उसके बाद जो आपके टोला में जो विद्यालय है उनसे आपको संपर्क करना है, वहाँ पे आपको फॉर्म देना है। हालांकि अभी ऑफिशियल पीडीएफ कोई भी नहीं आया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो आपके टोला में जो भी विद्यालय हैं वहाँ पर जो भी शिक्षा प्रभारी हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, टीचर से आप बात कीजिएगा, उसके बाद आपके जो शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा प्रभारी, उनसे आप बात कीजिए, तालमेल बिठाइए, आप जानकारी लेते रहिएगा, पल पल आप अपडेट लेते रहिएगा उनसे, जानकारी क्या जानकारी है इसके बारे में। और अगर ऑफिशियल अपडेट कोई भी आता है और न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कोई भी जानकारी हमें आती है, तो हम आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग फॉर्म को ले लीजिए, फॉर्म रख लीजिएगा, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है उस सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।